सारी रात। हालो जी, हालो। बढ़िया प्रोग्राम हमारे मुकेश भैया ने दिया है, कोरस वाले बढ़ा दीजिए थोड़ा थोड़ा, उनको नमन है। हालो, हालो। हमसे जो बन पाया संजय भैया चाचा जी, वो हमने किया दूसरा वाला भी, क्योंकि हम मुकेश भैया के सामने गाने के लायक नहीं है, सही, फिर भी गा बजा रहे हैं, उनकी मानता है कि वो हमको गाने दे रहे हैं, ये बात सही है। और बड़ा सहयोग हमारे भैया का भी रहा रात भर, इनको भी नमन है। सारी पब्लिक, जो लोग सुन के चले गए, जो लोग सुनने आए हैं, विराम हमारे मुकेश भैया की तरफ से हो गया है, हम भी अपना विराम देने जा रहे हैं। दो गीत और एक फरमाइश भी आ गई है, जो हमने पहले कटपी सुनाई थी, हमारे कहाँ गए प्रशांत भैया, खड़े हैं। हेलो हेलो, के लोगों ने शराबत से जीने नहीं दिया, मैंने मौत भी मांगी तो किसी ने नहीं दिया, सजनवर सुन बलम बलगा के कहे तो जो मन को आजी हमरी है मर्जी के सोने का झुमका, हमका दिल वाइद राजा। प्रधान भैया, ये आप कहने पर हम सुना रहे हैं, तो राजा कह रहे हैं गजो हर गोरी जवानी ये तोरी की, अब ये सुनोरी जो मांगते तुमका उदो तुमका मगर एक ठुमका, हमका दिखलाए तो रानी हमरे सजनवा जी बनो कहनवा बनो तुम सनवा जो राती पहरवा बुलाई के पहरवा मंगाई ले हरवा।
रे सजनवा ई मानो पहनवा बनो तुम किसनवा जो रात दी पहरवा बुलाई के कहरवा मंगाई लियो हरवा समझते रहिए भैया चलाई के दिखाई दो राजा तो सुनो हमरी रानी मधु लागे बानी जो करबे किसानी अगर बरसे पानी हमरी है मर्जी ये तुमरी है अर्जी तुम हो संग आई जो रानी रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन चले हर रात दिन रात दिन रात दिन चले हर रात दिन हर चल हमें तुम्हारे संग में तुम हो हमारे संग में तो तपती राष्ट्रीय गीत मैं सुनाना चाहता हूँ इसके बाद एक छोटा सा कट पीस और मैं यहीं से विराम लूंगा ठीक है भैया आई हो कहाँ से गोरी अखियों में प्यार लेके लड़के होंगे जो सीमा पे तैनात होंगे या इस क्षेत्र में कई लड़के होंगे एक गीत अच्छा हमारे भैया ही सिपाही जी रहे हैं आहा क्या बात क्योंकि अगर हमसे रात भर में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दें कि सिपाही जो होते हैं सीमा पे लगे होते हैं उनका सम्मान सबको करना चाहिए क्योंकि आज हम लोग गा बजा रहे हैं यहाँ खुले में घूम रहे हैं तो ये सब सैनिकों की देन है वो आज सीमा में कहीं गर्मी कहीं जाड़ा बरसात मौसम अलग अलग हैं सह रहे हैं कष्टों को तब हम लोग सुख से यहाँ रह रहे हैं तो ऐसे जवानों के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भोले बाबा उन्हें लंबी आयु दें और उन्हें वो सारे सुख दें जितना वो कष्ट भोग रहे हैं और हम लोगों के लिए हमारी भी उम्र उनको लग जाए
एक सैनिक जब घर में आता है, नया नया भर्ती हुआ दादाजी, वो कहता है माँ मैं सीमा पे नहीं जाऊंगा। उसकी माँ कहती क्यों बेटा तू क्यों नहीं जाएगा? वो कहता माँ मुझे सीमा में अकेले खड़ा होना पड़ता है, वहां कोई दूर दूर तक रहता नहीं है, मैं अकेले वही बंदूक लेके खड़ा रहता हूँ। तो माँ कहती बेटा तू अकेला कहाँ लड़ता है, तू अकेला नहीं लड़ता है। दादाजी सुनेगा तेरे साथ कौन कौन लड़ता है? माँ कह रही है क्या कि सीमा पर रहने वाले बलिदान लड़ता। भगत सिंह चंद्रशेखर का अमर बलिदान लड़ता। बिल्कुल भगत सिंह चंद्रशेखर का अमर बलिदान लड़ता। भाई की बाह पिता के दिल का अरमान आशीर्वाद है लड़ता, गुरु का प्रसाद है लड़ता। शक्ति से होके शराबो आके है, आके है, आके है सबके कि बोलने तो बोलने वालों को एक बोली तो कम होगी, लगा दो मेरे टीका, लगा दो रोली मेरे एक रोली तो कम होगी। और सीमा पे जाऊंगा भले ही मारा जाऊं, सीमा पे खड़ा होऊंगा भले ही मारा जाऊं, मैं ये जान लूंगा कि दुश्मनों की एक गोली तो कम होगी।
सीमा पे जाएंगे, हम सैनिक बनेंगे। आखिर कैसे उत्साह आता है? दिन प्रतिदिन छपने वाले शुभ समाचार कि पाकिस्तान वालों ने 4 मारे, हिंदुस्तान वालों ने 40 मार दिए, लोगों को हौसला बुलंद हो गया कि अब हम सीमा पे जाएंगे, हम 50 मारे। तो ये इनका भी सहयोग है पत्रकारों का। दिन प्रतिदिन छपने वाले शुभ समाचार जागरण के हर पाठक और पत्रकार लड़ते बेटा स्वतंत्र भारत के। एक पेपर आता है स्वतंत्र भारत, बहुत बढ़िया। बेटा स्वतंत्र भारत के सारे अखबार लड़ते, जनसत्ता ने लिख डाला। जनसत्ता पेपर एक आता है, जनसत्ता ने लिख डाला फैला अमर उजाला। एक पेपर होता है अमर उजाला, जो छाया है। जनसत्ता ने लिख डाला फैला दे अमर उजाला। अरे भारत का तू है नंद किशोर, भारत का तू है नंद किशोर। यही से अच्छा, एक कट पीस ड्राम कर, एक कट पीस। ठीक ठीक, एक गीत बता। कौन सा भैया ने भ्रूण हत्या और बहू बेटियों को जलाने का प्रसंग आया था, सोच रहा हूँ मैं भी कट पीस छोटा सा गा दूं। गाना खड़ा है, जरा सोच लो दिल लगाने से पहले।
वास्ते इस दिल में दर्द का आला बनाइए। कहते भगवान से भक्त की डायरेक्ट बात होती है, भगवान से भक्त की बात होती है। ऐसे कन्हैया लाल के मंदिर में एक भक्त बैठा है और जब दो जोड़े चले आ रहे हैं, एक पुत्र एक पति पत्नी, दो जोड़े जोड़े चले आ रहे हैं। पुजारी कहता है कन्हैया लाल इनको कुछ देना नहीं। अरे माँ, किसी भी मंदिर का पुजारी हो, माँ ये कुछ भी मांगे इनको देना नहीं। माँ ने कहा क्यों? अरे बोले ये बहुत बड़े पापी हैं। बोले कैसे? ये तर पे जो आए तुम्हारे पुजारी, छू नहीं पाई बजे तुम्हें। ये दर पे जो आए तुम्हारे पुजारी, ये लोभी बड़े बड़े अत्याचारी। गोविंद भैया, ये लोभी बड़े हैं बड़े अत्याचारी। चलते चलते अरे चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। Yeah.
पे वो